हेलो राधे राधे, आप सभी को जय श्री कृष्णा। और आज है एकादशी, तो सब लोगों ने व्रत रखा होगा, इसीलिए आलल्ला को हमने पीले वस्त्र पहना दिए। देखिए फूल बहुत सुंदर लगते हैं लल्ला को, येलो येलो फूल। और तो आप सब लोग, आज एकादशी है और कल है हमारे राम लल्ला का, जो अयोध्या में विराजमान होंगे और फिर भक्त लोग दर्शन करने भी जाएंगे। और इतने सालों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम लला विराजमान हो रहे हैं, मानो कि पूरे देश में हर्ष उल्लास का चल रहा है, लग रहा है। 1 जनवरी को तो नया साल हो गया, लेकिन मायने में अगर देखा जाए तो कल 22 जनवरी को नया साल लग रहा है, राम लला आ रहे हैं। ये देखो इनकी तो अलग ही मुस्कान रहती है। हीटर सामने जल रहा है, ये देखो तो। और एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताऊंगी, संतान प्राप्ति का उपाय। वैसे तो आज जो एकादशी है पुत्रता एकादशी, वो भी जिनके संतान नहीं होती वो भी एकादशी का व्रत करते हैं। और ऐसा मतलब सब लोग कहते हैं कि उनको, और जो कथा है उसमें भी स्पष्ट रूप में लिखा है संतान प्राप्ति का, जो मैंने आज सुबह पढ़ी थी। तो किसी दिन मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊँगी पूरी कथा, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बस 1-1.5 पेज की होती है। और एक उपाय जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, आंकड़े की जड़ पति पत्नी जाएं साथ में ले आएं और मंदिर में जाकर उसको 7 बार घुमाकर शिवलिंग से उसको एक धागे में बांध लिया जाता है कमर पे। जब पीरियड आपका समाप्त हो जाए, उसका 7वां दिन हो तब। तो चलिए राधे राधे और जय श्री कृष्णा।